सभी को सादर नमन। मैं अभिजीत जागरूक कॉलेज का छात्र हूँ और हालांकि मैं कविता ब्रोकन हार्ट पर भी करने आया था, लेकिन मेट्रो में ही कुछ लिखा था आज, क्योंकि जहाँ की हर चीज़ का एक स्तंभ होता है, सबने देखा है। तो मैं मानता हूँ कि अच्छा जीवन जीने के चार स्तंभ होते हैं सभी के नॉर्मली, फिर भी कि पहले माता पिता जो जन्म देते हैं, गुरु जो समझ देते हैं, किसान जो अन्न देते हैं, और फौजी जो हमें स्वतंत्रता से जीने का हक देते हैं। तो मेरी आज की जो पोइट्री है वो चौथे स्तंभ पर है। तो शुरुआत से शुरू करना चाहूँगा कि दोस्तों, आज की मेरी कविता किसी शोहरत, मुकाम, मोहब्बत या इबादत पर नहीं है, जिस सरहद पर है वीरों के शहादत पर है, जिनका अभिमान ही उनका मान है। शुक्रिया। इस सरहद पर है वीरों के शहादत पर है, जिनका अभिमान ही उनका मान है, देश की रक्षा ही उनकी शान है, और सच कहूँ तो उनमें जान की फिक्र नहीं है किसी को, क्योंकि लहराता हुआ तिरंगा ही बस उनकी जान है। शुक्रिया। तो इस कविता का शीर्षक है कि जनाब फौजी हूँ, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। कि किसी शोहरत के आँच में नहीं तपता हूँ मैं, कि किसी शोहरत के आँच में नहीं तपता हूँ मैं, और खुद को साबित करने में भी नहीं लगा रहता हूँ मैं। कि किसी शोहरत के आँच में नहीं तपता हूँ मैं, और खुद को साबित करने में भी नहीं लगा रहता हूँ मैं। रोजाना गर्म जमी पे हाथ रखता हूँ मैं, और सिर्फ माँ और धरती माँ को सलाम करता हूँ मैं। अरे जनाब फौजी हूँ, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। शुक्रिया। मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं, और आशिकी भी सिर्फ देश से करता हूँ मैं, और आशिकी भी सिर्फ देश से करता हूँ मैं, मोहब्बत भी सिर्फ देश को समझता हूँ मैं, और फिक्र हर देशवासी की करता हूँ मैं, और इस भूमि के लिए रोजाना अपना लहू रखता हूँ मैं, क्योंकि जनाब फौजी हूँ मैं, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। और राह में मुश्किलें कितनी भी हो, कि राह में मुश्किलें कितनी भी हो, या चाहे मैं दुश्मन के जमीन पे क्यों ना हो, कि राह में मुश्किलें कितनी भी हो, या चाहे मैं दुश्मन के जमीन पे क्यों ना हूँ, और मेरे खून का कतरा कतरा ही क्यों ना बह जाए, पर अपने देश की अभिमान को नहीं झुकने देता हूँ मैं, क्योंकि जब बात आती है देश पर तो छाती पर लौ रखने पर भी नहीं सोचता हूँ मैं, क्योंकि जनाब फौजी हूँ, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। और मैं मेरा तुम तुम्हारा क्या होता है, कि मैं मेरा तुम तुम्हारा क्या होता है, इसका मतलब नहीं समझ पाता हूँ मैं, कि मैं मेरा तुम तुम्हारा क्या होता है, इसका मतलब नहीं समझ पाता हूँ मैं, हम हमारा और हमारे का प्रमाण रखता हूँ मैं, और सरहद की गर्म भूमि में तप कर बनता हूँ मैं, क्योंकि जनाब फौजी हूँ, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। और ऊंच नीच से पड़े, कि ऊंच नीच से पड़े हर मजहब का सम्मान करता हूँ मैं, कि ऊंच नीच से परे हर मजहब का सम्मान करता हूँ मैं, और जब जब बात आती है देश पर तो हर मजहब का बन कर लड़ता हूँ मैं, क्योंकि जनाब फौजी हूँ, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। पर कभी कभी मैं भी थोड़ा सहम जाता हूँ, कि कभी कभी मैं भी थोड़ा सहम जाता हूँ, जब देखता हूँ कि मेरे अपने ही अपनों की परवाह नहीं करते, कि कभी कभी मैं भी थोड़ा सहम जाता हूँ, जब देखता हूँ कि मेरे अपने ही अपनों की परवाह नहीं करते, ज़मीन और जायदाद के बदौलत हर रोज़ रिश्ते बनते और टूटते, और यकीन मानो बहुत तकलीफ़ होती है, कि हाँ यकीन मानो बहुत तकलीफ़ होती है, जब यहाँ सरहद पर जिन देशवासियों के लिए लड़ता हूँ मैं, वही आज अपनों को अपना नहीं समझते, चंद जमी के लालच में जब भाई भाई एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, और एक कमरा और बचा लूँ ये सोचकर जब बच्चे माँ पापा को पास नहीं रखते, तब दुश्मन के हाथों नहीं अपनों के बीच टूटता हूँ मैं, हाँ मैं फौजी हूँ एक दुश्मन के हाथों पर फिर भी खड़ा होता हूँ, संभलता हूँ और लड़ता हूँ मैं, क्योंकि जनाब फौजी हूँ, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ।